अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फैजी टेक यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि हम किस तरह कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपने SEO प्लगइन की। हमने जो कोर्स शुरू किया है, इससे रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलिंग एंड एक्टिवेट SEO प्लगइन की आप वीडियोज हमारे फैजी टेक यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ हम योस्ट SEO के अंदर मौजूद है। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन विजिट के ऊपर क्लिक करेंगे और हम अपनी साइट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो योस्ट SEO की जो स्क्रीन है, ये हमारे पास लोड हो रही है और इसके अंदर तकरीबन 12 स्टेप्स हैं, इनको हम करेंगे। सबसे पहले स्टेप में ये हमें कह रहे हैं कि आप इसको अपग्रेड करें, कॉन्फ़िगर SEO योस्ट SEO, गेट द मोस्ट आउट ऑफ द योस्ट SEO प्लगइन, गेट द योस्ट SEO प्लगइन ट्रेनिंग नाउ। तो कन्फिगर हम करते हैं कन्फिगर योस्ट SEO। उसके बाद इन्वायरमेंट कह रहे हैं, प्लीज़ स्पेसिफाई इफ़ योर साइट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन और ऑलरेडी एक्टिव, चूज़ अंडर कंस्ट्रक्शन इफ़ यू वॉन्ट टू कीप द साइट आउट ऑफ द इंडेक्स ऑफ सर्च इंजन, डोंट फॉरगेट टू एक्टिवेट इट वंस यू आर रेडी टू पब्लिश योर साइट। ए, माई साइट इज़ लाइव एंड रेडी टू बी इंडेक्स, बस मेरी साइट हमारी ऑलरेडी पब्लिश है, अगर आपकी नहीं है तो आप नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, साइट टाइप आप कर सकते हैं, मेरा साइट एक ब्लॉग है, ऑनलाइन शॉप है, क्या है, स्मॉल बिजनेस कॉर्पोरेट, तो मेरी साइट एक ब्लॉग है। हम नेक्स्ट करते हैं, आप कंपनी है, पर्सन है, पर्सन और स्पेसिफाई, मैं नेम करता हूँ अपना ही फैजान अली ज़फ़र, आप कुछ भी जो भी आपका नाम है, आप कंपनी है तो आप कंपनी भी अपना दे सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं, आप अपने सोशल प्रोफाइल्स यहाँ ऐड कर सकते हैं, तो हम फैजी टेक यूट्यूब चैनल का हम लिंक ऐड कर देते हैं एक नंबर एक यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास सारे लिंक मौजूद हैं, तो हम सभी उठा के दे देते हैं, यानी हमें मसला कोई नहीं है। गूगल प्रोफाइल का हम यहाँ से दे देते हैं, ये हो गया। आगे जी इंस्टाग्राम का हमारा जी जो है ये तो नहीं चल रहा, हम अपना दूसरा नाम दे देते हैं, तो ये चलेगा हमारा। अच्छा जी, फ्री नॉम यहाँ पे हमारी साइट नहीं चल रही, ट्विटर पे भी हमारा नहीं चल रहा जी, और इस पर भी, यानी बहुत सारी जगहों पे हमारा काम नहीं चल रहा। इंस्टाग्राम का हमने दे देते हैं जी यूआरएल मुझे अपडेट करने पड़ेंगे, चलें इस बहाने हमने देख लिए। अच्छा, उसके बाद हम फेसबुक पेज का अपना दे देते हैं जो हमारे पास यूआरएल है, और आप अपने ये आप इसलिए दे सकते हैं कि आपकी जो गूगल की रैंकिंग है उसके वजह से आपकी अच्छी होती है। आप तमाम दे सकते हैं, फेसबुक पेज, ट्विटर यूज़र नेम, तमाम, तो जो कुछ आपके पास है आप वो दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ये ऑफिशियल जो पेज है उसका ही दे देता हूँ, क्योंकि अभी दूसरे ढूंढने में टाइम लग जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास हो चुके हैं, अब हम नेक्स्ट करते हैं दोबारा। उसके बाद आपको कह रहा है ये आपकी जो पोस्ट है ये विजिबल होनी चाहिए, तो हम यस करते हैं। पेजेस भी यस, फीड भी यस और फीड आइटम्स भी यस, तो हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद मल्टीपल ऑथर होंगे या नहीं, तो हम कहते हैं कि मैं सिंपल एक ही ऑथर हूँ, अगर आपके मल्टीपल हैं तो आप यस कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कनेक्ट करें गूगल कंसोल से, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी गूगल कंसोल की जो है यानी गूगल ऑथराइजेशन कोड आपने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना होगा। आपकी जो साइट आप उसका नाम दें, यानी आपका जो ईमेल है अटैच है वो आप करें, अलाउ करें इसके साथ, और यहाँ पे जैसे ही सक्सेस होगा तो आपने ये कोड कॉपी करके मैंने यहाँ पे इधर ऑथराइज करना है, तो ऑथराइज करते हैं। नो प्रोफाइल फाउंड, तो हमें नेक्स्ट जाके हम प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे। अच्छा जी, हब ऑफ इस्लामिक ये जो वेबसाइट नेम है इसके अंदर जो है वो ये डैश सही है, बाकी नहीं है। अच्छा जी, न्यूज़लेटर हमें यहाँ जी इंक्लूड अ फ्री माय योस्ट अकाउंट विच गिव यू एक्सेस टू और फ्री SEO फॉर बिगिनियर कोर्स, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट आप साइनअप कर सकते हैं। अच्छा, आप ग्रेड टू प्रीमियर कह रहे हैं, तो बेसिक SEO ट्रेनिंग, इसके अलावा योस्ट SEO प्लगइन ट्रेनिंग, तो हम इसे भी नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हम सक्सेस हो गए, डन हो गए, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो ये तरीका था
SEO जो प्लगइन है इसको यानी इंस्टॉल करने का। तो ये देखिए एक चीज़ हो गया, अब हम गूगल कंसोल के साथ कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपने अपनी प्रोफाइल करनी पड़ेगी क्रिएट, तो रीऑथराइजेशन विद कंसोल। तो यहाँ पे मैं गूगल कंसोल सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे अपनी वेबसाइट को मैं इंटर कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोफाइल करनी पड़ेगी स्टार्ट नाउ गूगल कंसोल के लिए। वेलकम इसने हमें कर दिए, साइट अपनी कॉपी लिंक एड्रेस, तो यहाँ पर पेस्ट करता हूँ लिंक, ऐड प्रॉपर्टी करते हैं। हाँ यहाँ पे हमारी जी ऐड हो चुकी है, डाउनलोड नाउ अपलोड टू, डाउनलोड द फाइल अपलोड टू टू स्टे वेरीफाई HTML टैग मेटा टैग के अंदर आप ये हम गूगल एनालिटिक्स डोमेन नेम प्रोवाइडर। अच्छा आपको यहाँ पे थोड़ी सी ये करनी पड़ेगी, डाउनलोड फाइल करते हैं फिर इससे अपलोड करते हैं हम इसके अंदर, या जो कुछ आपको तरीका आपको लगे मुनासिब आप वो कर सकते हैं। मैं ये HTML टैग वाला यूज़ करता हूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास ये यानी होता है कि नहीं, एडिटर में जाके मैं करता हूँ, प्लगइन एडिटर है ये, ठीक है। और इसके बाद साइट के जो इसके अंदर आपके पास थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे, तो ये चीज़ें आप बाद में कर सकते हैं खुद अपनी मर्ज़ी से। तो जैसे आप वो मर्ज़ी है, मैं इस तरीके को बता रहा हूँ कि आप किस तरह कर सकते हैं कि इसको आप यानी इसके अंदर आपने वेरीफाई करनी है अपने आप को, और इसके अलावा आप यहाँ पे इससे कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स से भी और गूगल टैग मैनेजर से भी आप कर सकते हैं जिससे आपको ईजी लगे। अच्छा यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हम एडिट थीम में चले गए थे। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये फाइल हमने मेटा टैग इसको कॉपी कर ली है, उसके बाद आपने यहाँ पे प्लगइन के अंदर आना है और एक और प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। थोड़ी सी वो मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इंसर्ट यहाँ पे आपने लिखना है इंसर्ट एडर एंड यहाँ पे आ जाएगा फुटर, इसको आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपके पास ये आ चुके आ जाएगा जल्दी, ये देखें ये WP बिगिनर की जानिब से है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने इसी तरह एक्टिवेट करना है और ये आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद ये देखिए आपके पास एक्टिवेट हो चुके हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे सेटिंग में आना है और ये लास्ट में आपके पास इंसर्ट हेडर एंड फुटर है, तो इसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है, जो आपका हेडर के अंदर आपने इसको मेटा टैग को पोस्ट कर देना है और आपने इसे सेव कर देना है। उसके बाद आपने दोबारा ये SEO योस्ट जो है उसके अंदर जाना है, वेब मास्टर टूल के अंदर जाना है और गूगल जो कंसोल है उसके अंदर यानी ये टैग पेस्ट करके गूगल वेरिफिकेशन कोड के अंदर आपने ये पेस्ट करके सेव करना है। और सेव करने के बाद आपने इसके अंदर वेब मास्टर टूल में जाना है और वेरीफाई करना है। तो ये देखिए आपकी वेरीफिकेशन कर रहा है और ये वेरीफिकेशन हो गई है, तो गो टू प्रॉपर्टी और डन भी कर सकते हैं, गो टू प्रॉपर्टी में जाते हैं और ये देखिए आपके सामने ये आपकी चीज़ कंसोल हो जो है वो बन चुकी है। नोटिफिकेशन हमें मौसूल हुआ वो भी हम देख लेते हैं, ये देखें जी वी हैव नोटिस यू हैव बीन यूजिंग योस्ट SEO एंड गिव एज 5 रेट टू, ठीक है यानी ये स्टार के लिए कह रहा है। इसके अलावा आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, तो उसको हम दोबारा करते हैं और यहाँ पे हम इसे ये देखिए हमारी प्रोफाइल हो गई है, तो हम इसे सेव प्रोफाइल करते हैं, यहाँ पे हमारी प्रोफाइल नज़र आ गई तो ये प्रोफाइल सेव हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास ये यानी ये चीज़ भी सेट हो गई है, तो अब हमें नोटिफिकेशन भी कोई नज़र नहीं आ रहा ऊपर। ये इनका जो रेट कल है यानी रेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी चले हम रेट करते हैं इसे जाके, ताकि हमें दोबारा ये नोटिफिकेशन ना हो, क्योंकि हमारी हेल्प करेगा तो हमारा भी थोड़ा सा यानी हक बनता है कि हम इसे भी हेल्प करें, तो ठीक है ये आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी यानी उस हवाले से सर्च कंसोल से, तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक।